देखो ब्लॉक के चक्कर में शीशा साफ हो रहा है इतनी गर्मी में, ताकि व्यू अच्छा आ सके। वेरी डिफिकल्ट, सिर्फ ब्लॉक के चक्कर में हो रहा है सब। शीशा इतनी गर्मी में 45-46 डिग्री टेम्परेचर होगा, गंदी थी और ये गाड़ी तो उठानी थी ना, समझ रहे हो। लगे हाथ ये भी करना पड़ेगा। ओहो, ऑल इन खत्म भी हो गया, अब कुछ बेहतर है शायद। गाइज हाँ, फाइनली इसमें आके बैठे, पसीना भी शुरू हो गया है। सेक्रीफाइस तो बहुत करने पड़ते हैं अच्छे चीज दिखाने के लिए ना, है ना जी। हाँ, हवा दे ले, कहाँ है हवा तेरी, खराब होगी। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, मेरी तरफ से सबको वेलकम बैक टू चैनल। गाइस फटाफट से जाते हैं, ब्लॉग बना के आते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है, दोपहर के 2:45 बजे देखो मैं निकल रहा हूँ, थार ले गए ऊपर से, गर्मी। दूसरी गाड़ी ठंडी थी देखो, साइड पे खड़ी है, लेकिन मैंने उठाई नहीं, मैंने कहा व्यू नहीं आएगा फिर आप लोगों को स्वाद नहीं आएगा, और जब स्वाद नहीं आएगा तो फिर फ़ायदा क्या ना जी। यही तो मेहनत है, मेहनत गाइस, मेहनत बहुत ज़रूरी है। जब लोग अपने अपने ऑफिस में एसी लगा के बैठे हैं, या चलो हर टाइप के लोग हैं यार, आप किसी पे कमेंट नहीं करेंगे, घर पे बैठे हैं, चलो आराम कर रहे हैं, वो भी काम करके आए होंगे, हर एक की अपनी स्टोरी होती है, वी शुड नॉट जज एनीवन। ओहो, कौन सा गेट पड़ गया। तो आज का व्लॉग गाइस रहेगा पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़, जिसको पैक के नाम से भी जाना जाता है, सेक्टर 12 ऑफ चंडीगढ़, उसकी गेटिंग मारेंगे। यूनिवर्सिटी दिखाई थी आपको, पंजाब यूनिवर्सिटी, तो ये बहुत ही नाइंसाफी है उन लोगों के लिए जिन्होंने इंजीनियरिंग परस्यू करनी है। हाँ, इंजीनियरिंग UIET चंडीगढ़ PU में भी है, लेकिन पैक कॉलेज बेसिकली पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज BTEC का ही है, ठीक है जी। उसके अंदर आर्किटेक्ट विंग भी है, वो भी दिखाऊंगा जितना पॉसिबल हो सका दिखाऊंगा। देखो ज्यादातर तो वहाँ बैरिकेडिंग हो रखी है, व्हीकल अलाउड नहीं है कहीं जाना, व्हीकल फ्री कर रखा है। जहां जहां भी गए उतना ही देख लेने का आपको आइडिया हो जाएगा, अनुमान हो जाएगा कि अच्छा ये पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज है, पैक चंडीगढ़ सेक्टर 12 में, बहुत नाम है उसका, ठीक है जी। अब तो शायद डीम्ड यूनिवर्सिटी बन चुकी है, तो पैक फेस्ट भी होता है, बहुत फेमस फेस्ट है जो अक्टूबर में होता है या नवंबर में, तो दूर दूर से सिंगर आते हैं, बड़े बड़े स्टार्स आते हैं, पंजाबी भी 3-4 दिन चलता है, बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है हर साल, ठीक है। तो पैक लेके जा रहा हूँ आपको पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ की, गेड़ी मारेंगे आज हम, ठीक है। तो जिन लोगों ने एडमिशन लेनी है उनको पता तो लगे उनका कॉलेज दिखता कैसे है, या उनका एम तो बने कि अच्छा इस कॉलेज में लेनी है, वाह भाई यहाँ एडमिशन लेनी है, इसके लिए मेहनत करनी है, ठीक है जी। तो बाहर का मौसम कुछ ऐसे फिलहाल, गर्मी गर्मी। वो सामने जो दीवार देख रहे हो पैक की है, तो ये सारी वॉल है जी पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ की, पैक की। वहां पे 3 नंबर गेट है, ये 2 नंबर है, 1 नंबर गेट, 3 गेट है इसके, तीनों एक ही साइड है। तो यहाँ से पैक शुरू है जी, देखो राइट लेफ्ट साइड पे हेलीकॉप्टर खड़ा है, ठीक है, गेड़ी बज रही है पैक की। ये मेन एडम ब्लॉक है पैक का, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज। देखो आज कोई भी नहीं है बाहर, ये देखो ब्लॉक्स बने हुए हैं, गाड़ियां खड़ी हैं, पता नहीं कौन सा विंग है, व्हीकल फ्री रोड है, देखो बाइसाइकल्स ओनली। तो पहले इधर जाते हैं फिर इधर आएंगे, ये सारा पैक है जी पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़। देखो इसके अंदर साइकिल स्टैंड भी है, ये देखो व्हीकल्स यहाँ पे पार्क करते हैं स्टूडेंट्स और जो प्रोफेसर हैं, गाड़ियां खड़ी उनकी। ये देखो राइट साइड पे जी सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर, सारा पैक, इलेक्ट्रिकल करेक्टराइजेशन, पता नहीं क्या क्या है, पंप चेंबर। तो आज पैक दिखा रहा हूँ आपको सारा पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ पैक। कंप्यूटर सेंटर देखो, रिफ्लेक्शन आ रही है, लेकिन मैं अगर खिड़की नीचे करूंगा ना, ये भी व्हीकल फ्री जोन है, देखो आगे बंद है। ये डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये है जी डिपार्टमेंट। बैक का राइट पे गाड़ियां खड़ी हैं, ये सारे लोकल रेजिडेंस जो सरकारी है अंदर घर वो हैं, गेस्ट हाउस, अतिथि गृह, मेहमान निवास। ये राजीव पैक का गेस्ट हाउस बड़ा सुंदर बना रखा है, पार्किंग एट योर ओन रिस्क। अगर मैं शीशा नीचे करूंगा तो भाई साहब प्रॉब्लम आएगी, विंड नॉइज आएगी, मेरी आवाज नहीं आएगी। मैं ट्राई कर चुका हूँ, 702 नंबर सामने मेरे ख्याल से डायरेक्टर का घर है पैक के,
डायरेक्टर रेजिडेंस, ये सारा देखो। तो यहां से चलते हैं लेफ्ट, बिल्कुल एंड तक जाके आते हैं। ये भी सारा रेजिडेंस का है। एक पीछे गाड़ी आ रही है, उसको निकलने देते हैं आप पहले। ठीक है जी, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज 45 डिग्री में मैं आपको गेड़ी मरवा के दिखा रहा हूँ यहाँ की। ये देखो यहाँ पे भी कुछ है, गार्डन ऑफ। इस टाइम तो कौन नहीं होगा गार्डन में, गार्डन ऑफ शेडोज। ठीक है जी, शेडोज का गार्डन है कोई। देखो गाड़ियां खड़ी हैं, सारा रेजिडेंस का एरिया है, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज पैक। देखो हाउस नंबर्स लिखे हुए हैं, ये छोटे घर आगे लेफ्ट राइट पे, सामने गार्ड हर जगह बैठे हैं पे, सिक्योरिटी गार्ड। और मैं यहाँ पढ़ता भी नहीं हूँ, सीन पानी। आपका भाई देखो रिस्क कैसे लेता है, अगले पूछे भी यहाँ कौन है तू, क्या कर रहा है यहाँ रेजिडेंस एरिया में। मैं कह दूंगा कोई चक्कर नहीं, व्लॉग कर रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं हम। ठीक है जी, इतना रिस्क तो बनता है लाइफ में। देखो सारा पैक। आगे से पता नहीं रोड है नहीं है, ये सारा देखो पैक है, रेजिडेंस एरिया है तो है। वैसे ज्यादा रेजिडेंस एरिया में ही आ गया हूँ मेरे को लग रहा है मैं, क्योंकि पता है क्या, डिपार्टमेंट वाली साइड रोड ही बंद कर रखी इन्होंने, बाकी देख आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। काफी बड़ी एरिया में फैला हुआ है पैक। ये देखो ये घर कितना प्यारा मिला हुआ है किसी को, 3-4 घर है इकट्ठे, और कितनी ग्रीनरी यहाँ पे, फ्लावर्स लगा रखे हैं इन्होंने। ये आया जी कोई डिपार्टमेंट, देखो झूले झाले, ये कोई डिपार्टमेंट है। ठीक है जी, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज पैक सारा, बहुत रेजिडेंस है यार यहाँ पे तो, अलग अलग विंग्स के अलग अलग घर हैं। देखो ये है कुछ, इसके बाहर लिखा हुआ है, बताता हूँ क्या है। ये है जी सेंटनरी हॉल, अच्छा पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़। ये है जी कल्पना चावला हॉस्टल, छात्रा निवास, ठीक है लड़कियों का हॉस्टल होगा ये। और मैं उसके बाहर गेड़ी मार रहा हूँ, बताओ पीयू से डायरेक्ट पैक। देखो सारा पैक है ये देखो, स्पोर्ट्स ग्राउंड पैक का इधर, इसके अंदर शायद स्विमिंग पूल भी है। हाँ यहाँ पे डाउट सा है मेरे को, है वैसे। वो देखो सामने रेलवे इंजन। ये है जी प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पैक। ये देखो ये रेलवे ट्रेन, मैं आपको जो दिखाने आया हूँ इधर साइड, इस साइड देखो रेल का इंजन। वहाँ शुरू में हेलीकॉप्टर खड़ा था, यहाँ रेल इंजन है। शिवालिक हॉस्टल इधर है, जिमनेजियम भी इधर है। वो देखो सामने बास्केटबॉल ग्राउंड, ठीक है जी। ये देखो यहाँ पे सोलर का कुछ लगा रखा है, बर्गन सोलर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पार्क पैक चंडीगढ़। अच्छा सोलर के देखो कितने पैनल्स लगे हुए हैं ये अपने, ये देखो अंदर ये सारा पार्किंग है जिमनेजियम की। वहां से एंड है, वहां से यू टर्न ले लेते हैं। तो ये डेड एंड है, आगे हॉस्टल है शिवालिक हॉस्टल, सीसीटीवी लगा हुआ है इधर तो, ठीक है जी। ये शिवालिक हॉस्टल है, सीसीटीवी लगा हुआ है यहाँ पे। ये है जी इधर जिमनेजियम हॉल पैक का, स्विमिंग पूल भी है इसके अंदर। मैं सही था, मैं आपको बता रहा था वो सोलर पैनल्स। ये देखो जिमनेजियम हॉल, स्विमिंग पूल लिखा हुआ, फिटनेस सेंटर सारा पैक का इधर है। स्पोर्ट्स का भी ध्यान रखा जा रहा है साथ साथ में, सेहत का, स्विमिंग पूल। हवा आएगी पर यार वही बात है, शीशा थोड़ा और साफ कर लेना चाहिए। चलो कोई ना, वो देखो स्क्वैश कोर्ट, आगे नो व्हीकल फ्री जोन है, इधर ही जाना पड़ेगा अपने को। ये ट्रेन खड़ी है, ये 3 नंबर गेट है, यहाँ भी पार्किंग कर सकते हो आप। ये रोड चलेगी जी गेट नंबर 3 को सारी, ठीक है जी। ये है जी आगे, देखो मैं एंड तक आ गया हूँ, वहां तक तो दिखाई दूंगा आपको, देखी जाएगी पकड़े गए। देखो ये ग्राउंड है, यहाँ पे लगता होता पैक फेस्ट, सारा पैक, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़। देखो व्हीकल फ्री रोड, इतना सा एरिया व्हीकल फ्री है बस, वहाँ गाड़ी खड़ा सकते हो। कॉलेज वर्कशॉप्स, यहाँ से यू टर्न ले लेते हैं आपा, ठीक है। पार्किंग में तो क्या जाना, उधर से आप आए थे। ये जी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस सीमेंस ऑटोमेशन एनर्जी एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग वर्कशॉप एंड डेवलपमेंट सेंटर, सामने पैक। काफी डिपार्टमेंट्स है, जो पढ़ते हैं थॉरली उनको पता है। ये है साइड पे ग्राउंड, फ्लड लाइट्स लगी हुई हैं, और सामने वो रोड है मेन, उस बाउंड्री के उस साइड। ये देखो स्कूल
स्कूटर पार्किंग काफी ऑर्गेनाइज्ड है, प्रॉपर हर जगह, इधर वो उधर वो। पीयू में तो सारी जगह गाड़ी अलाउड है। ये है जी 3 नंबर गेट, ये देखो रेलवे इंजन सारा, और ये इधर है 3 नंबर गेट। चलो इधर से ही आए थे, इधर ही चलते हैं। ये देखो प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ये ग्राउंड है इधर, फ्लड लाइट्स लगी हुई हैं सारी दूर दूर तक, ये सारे डिपार्टमेंट है। बच्चे अभी अंदर है, सिक्योरिटी रूम। ये देखो इस रोड पे आ गया हूँ मैं, जिधर को दिल करता उधर ही गाड़ी मोड़ रहा हूँ, देख ही जाएगी, निकलता ही होगा ये भी रास्ता। वैसे एरोस्पेस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ठीक है जी। तो ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट मेरे को रास्ते में दिख रहे हैं, ये भी डिपार्टमेंट है कोई। व्हीकल फ्री रोड आगे भी, ओहो चलो यू टर्न मारना पड़ेगा यहाँ से, व्हीकल फ्री बहुत है। ये देखो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है ये सारा, ये है जी कोई वो डिपार्टमेंट है भी, ये इतना सा एरिया व्हीकल फ्री है। तो बैक लेते हैं, ये भी डिपार्टमेंट है। पसीनों पसीनी हो चुका हूँ मैं, आपको दिखाऊंगा एंड में, आज तो पक्का दिखाऊंगा मैं, हर बारी बोल देता हूँ दिखाता हूँ नहीं, आपको पता तो लगे आपका भाई कितनी गर्मी में कितना रिस्क लेके घूम रहा है। ये पावर ग्रिड, हाई वोल्टेज लैब, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज की ट्रैक ट्राली भी है। चलो लेफ्ट चलते हैं, दिखाता हूँ उधर। तो इधर से ही आए थे आपका कल्पना चावल हॉस्टल, सेंटेनरी हॉल, ये रेजिडेंस एरिया सारा देखो, गेड़ी पैक की काफी, वो बादशाह रैपर है, वो भी बादशाह सिंगर यहाँ से पढ़ा है, ठीक है जी। काफी लोग पढ़े हैं यहाँ से, मेरे को इतना थॉरली तो नहीं पता, लेकिन काफी लोग यहाँ से पढ़े हैं। इधर से देखें रास्ता है कि नहीं, डाउट सा लग रहा है वैसे मेरे को, चलो देख लेते हैं। हाँ है रास्ता, चलो ये देखो, नहीं तो हर जगह व्हीकल फ्री जोन, व्हीकल फ्री जोन लिखा हुआ है पैक। तो गाइज यहाँ के लिए अगर आपने एडमिशन लेनी है तो देख लीजिए, आपका कैंपस ऐसा होने वाला है कुछ जो आपका भाई आपको दिखा रहा है। ये घर है देखो, ठीक है जी, यहीं से आप आए थे, डायरेक्टर्स होम, डायरेक्टर्स रेजिडेंस सॉरी। तो इसके पीछे गार्डन ऑफ शेडोज भी, इतनी गर्मी में तो गार्डन ऑफ शेडोज, वैसे ही शेडो बनी हुई हर जगह है देखो। पैक गेस्ट हाउस, अब मार्केट दिखाता हूँ आपकी पैक की, डॉक्टर राकेश जोशी, कर्नल राकेश जोशी प्रोफेसरों के घर है देखो। इसके उधर ही थे आपा जब व्हीकल फ्री रोड था, अब इधर वाला एरिया दिखा देता हूँ आपको, ये मार्केट वाला एरिया, यहाँ तो हम अक्सर आते रहते हैं खाने पीने को, छोटी सी मार्केट बनी हुई है वहाँ पे, डोसा डोसा पीने को, नींबू पानी वगैरह, बैंक भी है SBI का, सारा बना हुआ है इसमें। ये देखो इधर भी रेजिडेंस एरिया है, यहाँ तो क्या जाना, सारा ऐसा ही है आगे तक, सरकारी घर है। ये देखो ये है जी पैक की मार्केट, पार्किंग क्लोज रो पार्क ऑन रोड, ये हॉस्टल है, ठीक है जी। सारी पार्किंग है, पंजाब नेशनल बैंक देखो, PNB का ATM, SBI, सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, नो पार्किंग नियर बैरिकेड्स। तो हम यहाँ से यू टर्न ले लेते हैं, ये छोटी सी मार्केट है, कभी आओ तो इसमें आपको मिल जाएगा डिस्पेंसरी, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, सारा पैक। मेरे को ये नहीं समझ आता लोग इतने खुश क्यों होते हैं अगर वो कैमरा लेके ब्लॉग बना रहा होता है, नॉर्मली तो है यार वीडियो तो बना रहे हो फ़ोन से, कोई न्यूज़ कवरेज थोड़ी हो रही है। देखो पता नहीं लोगों को एक एक्साइटमेंट सी हो जाती है कि आहा शूटिंग चल रही है। मैंने देखा है ये देखो कॉर्बू हाउस हॉस्टल है, ये भी चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर का ये हॉस्टल, हाँ इसके अंदर चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर भी है, ये भी सारा रेजिडेंस। ये देखो डिलीवरी वाले घूम रहे भैया, वो देखो अंदर गन्ने वाला भी खड़ा है, जूस रेडी लगा के अपनी। अब हम जिस साइड जा रहे हैं उस साइड से हम बाहर निकल जाएंगे 3rd नंबर गेट से, अकॉर्डिंग टू मी इट्स 3rd नंबर गेट। ये है जी सामने सेंट्रल रिसर्च फैसिलिटी, केमिकल इंजीनियरिंग भी सॉरी इलेक्ट्रॉनिक्स का, व्हीकल फ्री रोड। ये देखो सारा मेंशनड है, एकेडमिक्स, गेस्ट हाउस, रेजिडेंशियल मार्केट, कम्युनिटी सेंटर, पैक। ये है वैसे मेन इधर जहाँ से आते हो ना, मेन रोड तो यही है, डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन लिखा हुआ है। तो सारी जगह पैक ही पैक है, देखो बच्चे जा रहे हैं बैग बुक टांग के। ये चौंक आ गया जी मेन पैक का, वहाँ से हम आए थे लेकिन हम राइट से निकलेंगे, सेलिब्रेटिंग 100 ईयर्स 1921 और 2021। अच्छा 1921 का कॉलेज है ये, ठीक है 1921 से
2021 सौ साल हो गए, 100 साल से भी ज्यादा हो गए। ये है जी इसके अंदर चंडीगढ़, देखो ये ग्राउंड है, यहाँ पे पैकफेस्ट होता है, शाम को बच्चे खेलते हैं, इसमें फुटबॉल ग्राउंड है सारा। ये है जी चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, इसके अंदर ही पढ़ता है, इसका हॉस्टल है 11 सेक्टर में, आपको दिखाया भी था। ये देखो लिखा है चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर सारा इसके अंदर, रिफ्लेक्शन पड़ रही है इनू, बट ये सारा है। देखो पार्किंग भी है, इसके पीछे मार्केट ही है, ये सारा ग्राउंड है पैक का, ठीक है जी। देखो अब मैं आपको बताता हूँ, एक सीन हो गया था पैक में हमारे साथ। ये देखो राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट, कपूर कुरुक्षेत्र हॉस्टल, ठीक है जी, उधर भी हॉस्टल ही है सारा। ये है जी गेट जहाँ से हम एग्जिट ले रहे हैं, ये देखो ये है जी राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट, राइट पे ये सारा ग्राउंड, यहाँ से पैक आउट, ठीक है जी। गार्ड्स खड़े हैं यहाँ पे, तो यहाँ से हम बाहर हो गए। देखो गेट नंबर 1 है, अच्छा ये हॉस्टल CCA मार्केट, वो गेट नंबर 2 था। फिर मैं बताता हूँ क्या सीन हुआ था, पहले एक बार पूरा दिखा दूँ आपको। ये है जी पैक की वॉल साथ साथ में, देखो ये सारी जा रही है गेट नंबर 2 पे, जहां से हमने ब्लॉक स्टार्ट किया था उस लाइट्स पे। इसके उधर है पैक, तो 3 गेट है, 1, 2 और 3 आगे एंड पे जहाँ ट्रेन का इंजन था, सारा पैक। तो ये है जी मेन गेट जहां से हमने एंट्री ली थी पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, देखो गेट नंबर 2 है ये, इसको मैं 1 बता रहा था, ये गेट नंबर 2 है, मेन गेट यही है, एक गेट आगे है वो एंड पे जाके गेट नंबर 2। और ये सारी वॉल है पैक की, यहाँ पे चेकिंग होती है लेकिन उन्होंने मेरे को रोका नहीं आज, तो मैं बताता हूँ क्या सीन हुआ है, ठीक है जी। एक बार लाइट्स क्रॉस कर ले हम, अब मैं बताता हूँ सीन क्या हुआ गाइस। मैं था पैक में, जैसे कि आपने देखा मैं व्लॉग बना रहा था, मेरे को गार्ड्स ने रोक लिया, मेरे को पता था ये हो गई होगा, आई वॉज 100% श्योर, 200%, क्योंकि गार्ड्स मेरे को घूर ही रहे थे अंदर वाले, क्योंकि गाड़ी पैक के हर कोने में जा रही थी, ठीक है जी। और कॉलेज है व्हीकल फ्री, ठीक है जी, कॉलेज में गाड़ी अलाउड ही नहीं है, और आपका भाई गाड़ी लेके, वो भी थार जो दूर से हाईलाइट हो रही थी ऊंची सी, हर कोने में जा रही है, कभी रेजिडेंशियल में जा रही है, एक तो वहां पे गाड़ी अलाउड नहीं है, व्हीकल अलाउड नहीं है, ऊपर से आपका भाई वीडियो बना रहा है हर कोने में जा जाके, अपनी गाड़ी वैसी ही ऊंची है, काले रंग की अकेली गाड़ी वहां घूम रही, हाईलाइट हो रही थी, है ना। तो वो मेरे को पहले ही पता था कि रोकेंगे, व्लॉग के पहले मेरे को पता था कि वहां कोई ना कोई सीन होगा, बाकी कोई चक्कर नहीं, मैंने बोल दिया था कि मैं तो पूरा करके जाऊंगा, जो अधूरी चीज छोड़ता नहीं मैं पूरी करके जाऊंगा। तो बोले कोई ना सर आप कर लीजिए, और फिर वहां से ना ज्यादा गेड़ियां मत मारी है ना, ऐसे अजीब लगता है फिर, ठीक है जी। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन दबाना, कमेंट भी कर देना, और गर्मी बहुत ज्यादा गाइस, मेहनत बहुत लगती है, डू लाइक एंड साथ दिया करो, ठीक है जी। मिलते हैं जल्दी किसी और ब्लॉग में, बाय बाय।